हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं दीक्षा और वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, मैं आपके साथ आज हिमालय के पील ऑफ मास्क और एवरेज पील ऑफ मास्क का रिव्यू शेयर करने वाली हूं, साथ ही इनको आपस में कंपेयर करने वाली हूं। तो ये पाउच है 10 रुपीज का हिमालय का, ठीक है। इसमें क्वांटिटी 8 ग्राम की है, कुछ इस टाइप से है। अब मैं बताती हूँ एवरेज का, इसका भी प्राइस जो है 10 रुपीज का है, गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क, और इसमें क्वांटिटी भी सेम है 8 ग्राम। पाउच हिमालय का बड़ा है बट क्वांटिटी दोनों में सेम है, ठीक है। तो मैं अपने दोनों फेस के दोनों साइड इसको अप्लाई करूंगी, तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। तो एक तरफ मैं लगा रही हूँ एवरेज का गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा थिक है, इजीली अप्लाई नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा जेल फॉर्म में है, और जो है इसको इसकी ना फ्रेग्रेंस मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा तीखी है और आँखों में चुभती है, मतलब मेरी आँखों में इसलिए ना थोड़ी जलन होती है। उसके बाद हिमालय का मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ, तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी है, लिक्विड फॉर्म में है, आपको देख सकते हैं, और इजीली अप्लाई हो जा रहा था फेस में, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई अप्लाई करने में। एवरेज वाले में थोड़ा दिक्कत हुई थी, ठीक है। इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो है जैसे ऑरेंज की होती है ना, ऑरेंज वाली टॉफी खाई होगी, मतलब वैसी ही इसकी फ्रेग्रेंस है। इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस में, आप देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। और अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने अपने दोनों फेस के दोनों साइड पे इसको अप्लाई कर लिया है, अब वेट करूंगी। तो इसको ना सूखने में पूरा का पूरा आधा घंटा लग गया था, पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा, ठीक है। अब मैं इसको पील ऑफ कर रही हूँ, तो ये मैं एवरयूथ वाला पहले निकाल रही हूँ, तो ये ना बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं है, जबकि हिमालय वाला बहुत ज़्यादा पेनफुल था जब इसको रिमूव कर रही थी। तो अब रिजल्ट देखते हैं कि इसे रिजल्ट क्या मिलता है, ठीक है। पूरी तरह मैंने इसको रिमूव कर लिया है, और अब मैं आपको जो है मास्क बताती हूँ। तो ये जो है हिमालय वाला साइड है, जो हिमालय का था, तो आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ना कैमरे में नहीं दिखता है वो अच्छे से। तो यहाँ पे जो है मेरे हेयर रिमूव हुए हैं, ये हिमालय वाला साइड है और काफ़ी ज़्यादा रिमूव हुए हैं, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा था, कैमरे में आ नहीं रहा वो अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको एवरयूथ वाला साइड बताती हूँ, तो एवरयूथ ने इतना ज़्यादा हेयर रिमूव नहीं किए हैं, ठीक है, और मतलब ये इतना ज़्यादा पेनफुल भी नहीं था। और बात करें फेस की, तो फेस जो है हिमालय से ड्राई हो गया था, मतलब अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हिमालय का बिल्कुल भी ट्राई मत करना, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप तब यूज़ कर सकते हो हिमालय का। और एवरयूथ जो है इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है हिमालय का, मतलब मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सो आपकी चॉइस है आपको कौन सा यूज़ करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।